द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, मतलब हम इस देश को डच भी बोल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है नीदरलैंड के लोगों को डच क्यों कहा जाता है? देश की ऑफिशियल भाषा डच है। इतिहास में युद्ध के सिलसिले में अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग नीदरलैंड के लोगों को डच बोलते थे। डच भाषा में डाइट्स और ड्यूट्स इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से डाइट्स का मतलब डाइट और ड्यूट्स का मतलब पड़ोसी देश जर्मनी। 17वीं सदी के दौरान नीदरलैंड के लोग जर्मनी के लोगों को ड्यूट्स बोलते थे। आगे जाके एक और शब्द का जन्म हुआ जिसका प्रोनाउंसिएशन है डच, मतलब डच, जो कि डाइट्स और ड्यूट्स से प्रेरित है। कई बार आपने सुना होगा नीदरलैंड का उल्लेख हॉलैंड, ऐसा भी किया जाता है क्योंकि देश 12 प्रांतों से मिलकर बना है। इतिहास में हॉलैंड एक ऐसा एरिया था जो दो प्रांतों से मिलकर बना था, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। हॉलैंड ने देश के आर्थिक कंडीशन को, मतलब इकोनॉमी को मजबूत किया था, इसलिए हॉलैंड का नाम देश के लिए सूचीबद्ध किया था। दुनिया भर के लोगों ने देश को हॉलैंड नाम से ही पुकारा, लेकिन साल 2020 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने देश के उपनाम, मतलब हॉलैंड को पूरी तरह से हटा दिया, इसलिए हम नीदरलैंड को नीदरलैंड ही बोलेंगे। आज की कंडीशन में देश की आबादी 1,70,00,000 है। 2020 के संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ पर 1 square kilometer एरिया में 500 लोग रहते हैं और देश की 90% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। CPOM, मतलब सेंटर फॉर पोलर ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग, इनके द्वारा अंटार्कटिका में हुए बदलाव दुनिया को बताए जाते हैं। पश्चिम अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई देता है, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। बर्फ के बड़े पहाड़ और ग्लेशियर पिघलने की वजह से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उसे एक टेक्नोलॉजी की मदद से काउंट किया जाता है। समुद्र में पानी का स्तर, मतलब सी लेवल, कितना बढ़ गया, 1 meter या 2 meter, उसे एक तकनीक से बताया जाता है। उसी तरह जमीन का भाग समुद्री तल से कितना ऊपर या नीचे है, ये बताने के लिए भी एक तकनीक है। और इसी तकनीक से एक बात पता चली, नीदरलैंड की जमीन समुद्री तल से थोड़ी नीचे है, क्योंकि नीदरलैंड इस शब्द का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। नीदरलैंड का मतलब लोअर कंट्री, मतलब निचला देश। देश का सबसे ऊंचा स्थान दक्षिण लिम्बर्ग के वाल्सबर्ग में एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई समुद्री तल से 322 मीटर की है। और सबसे निचला स्थान रोस्टरडम शहर की जूडो प्लासपोर्डर जगह है जो कि समुद्री तल से 7 मीटर नीचे है। वर्ल्ड हैप्पी कंट्री रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड दुनिया का 6 नंबर का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। एक इंसान खुश होता है उसी तरह देश खुश रहता है, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, एक स्वस्थ, मतलब हेल्दी जीवन, आज़ादी, विश्वास, कम भ्रष्ट देश और सामाजिक समर्थन, इन सब बातों को ध्यान में लेकर वर्ल्ड हैप्पी कंट्री रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस मामले में हमारा देश रैंकिंग लिस्ट में 139 नंबर पर आता है। 20वें नंबर पर बेल्जियम, 17वें नंबर पर जर्मनी और पहले नंबर पर फिनलैंड का नंबर आता है। देश की राजधानी एम्स्टर्डम शहर है। आपको यकीन नहीं होगा, इस शहर में कार से भी ज़्यादा साइकिल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहर में आपको साइकिल चलाने के लिए भी अलग रास्ते दिखाई देंगे। एक और फैक्ट ऐसा है, देश में 22 मिलियन से भी ज़्यादा साइकिल है और देश की आबादी 17 मिलियन है, मतलब आबादी से ज़्यादा साइकिल है। यहाँ का हर इंसान साल भर में 1000 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। इतनी बड़ी मात्रा में साइकिल होने की वजह से हर साल यहाँ पर 1,00,000 से भी ज़्यादा साइकिल चोरी भी हो जाती है। देश की ऑफिशियल भाषा डच है, फिर भी यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलने में माहिर है। अगर आप देश में घूमने के लिए जाते हो, आपको डच भाषा नहीं आती, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देश की 95% आबादी अंग्रेजी भाषा बोलती है। लेकिन देश में अंग्रेजी भाषा को दूसरे नंबर पर रखा है। देश के झंडे में आपको 3 कलर दिखाई देंगे, लाल, सफ़ेद और नीला, लेकिन देश का नेशनल कलर ऑरेंज है, मतलब नारंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में देश आज़ाद होने से पहले देश की राजशाही ऑरेंज हाउस में रहती थी। हाउस ऑफ ऑरेंज, जिसे 15वीं सदी में बनाया था। इतिहास और विरासत का सम्मान रखने के लिए डच लोग आज भी नारंगी रंग के कपड़े पहनकर किंग्स डे मनाते हैं।